Good morning to everyone. Today I'm going to explain you in class 2 unit 2 in English Marigold I'm lucky. I'm lucky means I'm special. Okay, today we will discuss about in what ways that I am lucky. I hope you will enjoy this poem. Okay, let's start it. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. A child is describing about the feelings of herself or himself, like he or she was thinking about that I were a butterfly. Butterfly means जो butterfly होती है ना तितली, that's fly in the sky, that's. तो then I would be thankful for my wings. Wings means पंख. तो किसके लिए मैं thank देना चाहती हूँ? अपने wings के लिए. Okay. In next stanza, a child want to say, if I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. Do you like the sing of song by the manna? Did you understand what is manna? Manna is a bird. You can say in Hindi like same manna, which sing a beautiful or the sweet song. Okay. तो चाइल्ड क्या कहना चाहता है कि अगर मैं मैना होती, पेड़ पर बैठी हुई मैना होती, तो मैं अपने गाने को डेडिकेट करती, मींस उसको थैंक देती. ओके, दैट आई वुड बी थैंकफुल फॉर माय सिंगिंग. इन नेक्स्ट स्टैंजा, अ चाइल्ड वांट टू से, इफ आई वर अ फिश इन द सी, हैव यू सीन द फिश गाइस? यस. I would be thankful that I can wiggle and giggle with glee. बेटा, giggle and wiggle with glee कहते हैं जब कोई फिश होती है पानी के अंदर और वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है, तो उनके जो बुलबुले निकलते हैं ना मुँह में से, अंडर द शी, दैट्स वेरी स्पेशल. तो दैट आई वुड बी थैंकफुल. So I just think I'm lucky to be me, not you, but me. So वो जो child सोचती है, क्या सोचती है कि I'm lucky than you, कि मैं lucky हूँ, not you. Okay. Next, if I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. वो क्या कहता है next, कि अगर मैं elephant होता, elephant means एक बड़ी सी सूंड होती है एलिफेंट का, है ना, तो काफ़ी मेन थिंग होती है, मेन कंपोनेंट जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं दैट इट इज़ एन एलिफेंट. तो वो क्या कहती है, ट्रंक मीन्स सूंड. तो मैं अपनी जो ट्रंक होती है सूंड, उसको उठा सकता हूँ. इफ़ आई वर अ कंगारू, आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून. वो क्या कहते हैं कि अगर मैं एक कंगारू होती, तो मैं होप कहते हैं उछलना, कूद कूद कर अब मून तक जाने की कोशिश करती. ओके, आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून. इफ आई वर एन ऑक्टोपस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 arms. अब ऑक्टोपस कहता है कि मैं अपनी 8 arms, 8 arms मीन्स 8 hands. ऑक्टोपस हैज 8 arms ना, तो वो कहता है मैं अपने 8 arms के लिए थैंकफुल करना चाहता हूँ. नेक्स्ट, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. सो आई जस्ट थिंक दैट आई एम सो स्पेशल, दैट मीन्स आई एम सो लकी, नॉट यू बट मी. बट मीन्स मेरे अलावा आप लकी नहीं हैं, मैं स्पेशल हूँ एंड लकी. What do you think you want to be? Do you want to like me or just you? Just you. But वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो
आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप मेरी तरह बनना चाहते हैं या ओनली जस्ट यू, आप अकेले ही लेना चाहते हैं? तो आई होप योर पोयम इज आई एम लकी विल बी क्लियर ऑल डाउट्स. वी विल मीट वेरी सून. गुड बाय. हैव अ नाइस डे.